देख सकते हैं मैं ये क्या लेके खड़ी हूँ। तो ये सब है मेरे बेटे का बर्थडे का गिफ्ट। तो चलिए आज आप लोगों के साथ यही वीडियो शेयर करने वाली हूँ, वीडियो बने रहिए। फ्रेंड्स, तो कैसे आप सभी, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो में। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे बेटे का बर्थडे का गिफ्ट वगैरह जो भी मिला हुआ था ना उसको। तो मैं सोच रही आप लोग के साथ शेयर करूँ एक एक करके कि क्या क्या उसको मिला हुआ था। उससे पहले अगर आप लोगों ने बर्थडे का ब्लॉग नहीं देखा है तो आप लोग जाके मेरे चैनल पे बर्थडे का वीडियो जरूर देख सकते हैं। हम लोगों ने बर्थडे सेलिब्रेट किया और हम लोगों ने बस फैमिली मेंबर्स ही थे। और बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है जब आपके फैमिली मेंबर्स साथ में होते हैं और कोई भी आप सेलिब्रेशन करते हो, तो इसीलिए हम लोगों ने, और बच्चे का खासकर जो बर्थडे होता है ना वो हमें फैमिली के साथ ही मिलकर मनाना चाहिए, काफी ज्यादा अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। तो आज मैं आप लोगों को गिफ्ट दिखाने वाली हूँ। वैसे तो गिफ्ट अगर अनबॉक्सिंग कर रही हूँ, मतलब अनबॉक्सिंग तो हो चुका है, फिर भी मैं सोच रही हूँ कि चलो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। आरुष भी रहता तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता, वो है, बट मैं सोचती हूँ कभी कभार कि ज़्यादा बच्चे को अगर वीडियो मिल देंगे तो मेरी वीडियो पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है ऑलरेडी, तो मैं नहीं चाहती कि और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो इसीलिए अपना चैनल की सेफ्टी के लिए मैं उसको अभी नहीं ले रही हूँ। उसको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है अपनी चीज़ें शेयर करने में, दिखाने में, वो रहता तो ज़रूर ही आता। फिलहाल चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ। और गर्मी ना बहुत ज़्यादा हो रही है, आप लोग को मेरा चेहरे पर आप लोग देख सकते हैं, ये देख सकते हैं गाइस, पसीना पूरा, क्योंकि मैंने फ़ैन ऑफ करके रख दिया है कि फिर आवाज़ नहीं आएगी अच्छे से। चलिए वन बाई वन करके आपको दिखाएंगे एक बहुत ही स्पेशल गिफ्ट जो कि आरुष को सबसे ज़्यादा पसंद आया। तो ये है, कौन कौन दिया है ये भी आप लोग को हम बताएंगे कि कौन दिया है ये गिफ्ट सब। तो ये ना कलर का सेट है, देख सकते हैं, और इसमें 150 सेट है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा और काफ़ी बड़ा भी है। तो आप लोगों को ना इसको खोल के दिखाते हैं। इसमें ना वाटर कलर, स्केच कलर, पेंसिल कलर, उसके बाद में ऑयल पेस्टल, प्लास्टिक क्रेयन सभी है, इरेजर है, शार्पनर है, सीजर है, स्केल है, ग्लू है, तो सब भी कुछ है, देख सकते हैं, और वाटर कलर भी है। और वैसे अभी आरुष आर्ट सीख रहा है तो उसके क्लासेस में कलर्स वगैरह मतलब चाहिए होता है। तो काफ़ी अच्छा और सोच समझ के ये गिफ्ट उसको गिफ्ट किया गया है। तो ये वाला गिफ्ट जो है ना वो मेरी बहन यानी कि मेरी सिस्टर ने गिफ्ट किया है, और वो यहाँ पर नहीं है, वो मुंबई में रहती है, लेकिन उसने आरुष से पूछा कि तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए, तो आरुष ने बस ये डिमांड किया तो उसको ये भेज दिया ऑनलाइन। गाइस नेक्स्ट जो गिफ्ट है ना वो है ये एक टी शर्ट, देख सकते हैं। तो ये वाला जो टी शर्ट है ना वो काजल ने दिया था, आप जानते ही होंगे काजल को, बहुत बार मतलब आप लोगों ने ब्लॉग में देखा है, तो उनकी फैमिली भी आई थी तो ये टी शर्ट दिया था। तो देख सकते हैं ब्लू कलर में और मेरे वाल से मैच हो रहा है कलर। तो ऐसे मैं खोल के दिखाऊंगी, तो अच्छा मैं खोल के दिखाती हूँ आप लोग को, चलो मैं इसको ये कर लूँगी। तो काफ़ी अच्छा है, देख सकते हैं, ये रहा, इस पर ये मिक्की माउस बनाया हुआ है, ये टी शर्ट है, काफ़ी अच्छा है। तो गिफ्ट जो और उसको मिला है वो है ये टॉय, तो इसको बॉलिंग पिन, हाँ ऐसे तो इस पर बॉलिंग प्ले सेट लिखा हुआ है, तो वो देख सकते हैं कितना प्यारा है। इसमें ना मतलब इसको खेलने के लिए अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे इस तरीके का बॉल है, और ये देख सकते हैं ये बॉलिंग पिन, इसको खड़े करो और बॉल से मार के इसको गिराते हैं, तो अच्छा है, बाल भी खुल गया मेरा, तो बंद करते हैं गाइस। गिफ्ट दिखाते हैं जो कि पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, ठीक है, ये है वो ड्रेस जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, और ये है आरुष के नाना नानी के तरफ से ये वाला, देख सकते हैं कुर्ता सेट है ये, और ऊपर से ये वास्कोट टाइप का है, देख सकते हैं ये स्लीवलेस है, और अंदर में ना ब्लैक कलर का कुर्ता है और ब्लैक कलर का पैंट है, तो उसको क्या ही दिखाऊँ, आप लोग देख सकते हैं ये ना बहुत ही ज़्यादा प्यारा है बहुत, और मैंने चॉइस किया था, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था, तो ये नाना नानी की तरफ से गिफ्ट था। और बर्थडे में भी आरुष ने यही पहना हुआ था, तो आप लोग नहीं देखे हो तो बर्थडे ब्लॉग ज़रूर जाके देखना। नेक्स्ट गिफ्ट है आरुष के दादा दादी ने दिया है, तो ये देख सकते हैं ये बहुत ही प्यारा सा एक शर्ट है जो कि काफ़ी ज़्यादा बहुत ही सुंदर है, मुझे बहुत अच्छा लगा, ये देख सकते हैं चेक चेक में देख सकते हैं, अब क्या ही दिखाऊँ, देख सकते हैं यहाँ पे
ये है जींस, देख सकते हैं ये ग्रे कलर में है, बहुत ही प्यारा सा है, देख सकते हैं काफी अच्छा लगा मुझे, देख सकते हैं ये नीचे सिंपल सा है और ऊपर में ये रबर वाला लिया है मैंने। रबर वाला ना बच्चों के लिए ठीक रहता है तो मैंने रबर वाला ही लिया है। ये एक और जींस है जो कि ब्लैक में है, इसका ब्लैक जींस अभी काफ़ी ज़्यादा छोटा हो गया था तो मैंने ये वाला सोचा कि चलो ये ले लेते हैं। तो ये है और ये देख सकते हैं नीचे में यहाँ पे इलास्टिक लगाया, ऊपर में भी इलास्टिक है तो काफ़ी अच्छा है। तो ये था दादा दादी की तरफ से आरुष का गिफ्ट, कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट गिफ्ट जो है वो हमने दिलाई थी आरुष को पिछले साल, आरुष को उसका पसंद से हम लोगों ने उसको साइकिल दिलाया था, बहुत ही अच्छा और प्यारा सा साइकिल था वो। तो इस बार हमने बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट किया था और गिफ्ट में ऐसा कुछ खास नहीं दिलाया था, उसको ड्रेस दिलाया था। तो देख सकते हैं मैं आपको दिखाती हूँ, तो गाइस देख सकते हैं ये शर्ट, तो ये लाइट ब्लू में है, काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। नेक्स्ट आपको दिखाते हैं ये है, ये भी एक शर्ट है जो ये इसके पापा का पसंद है, देख सकते हैं इसमें भी ब्लू है और ये नेवी ब्लू है, वाइट है, क्या कॉम्बिनेशन है, क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। और ये एक पैंट है, हाफ पैंट देख सकते हैं, इसमें दो पॉकेट यहाँ पे और दो पॉकेट पीछे में है। तो ये कलर और ये पैंट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ये मैं कब से सोच रही थी कि इसके लिए लूँगी, था बट छोटा छोटा हो गया था तो इसके साइज में नहीं था, तो अभी मैंने ये ले। इसके अलावा मैंने इसको ये दो टी शर्ट आप उसको दिलाए हैं, एक ये देख सकते हैं येल्लो में है, बहुत ही प्यारा है, और ये देख सकते हैं रेड में है, इसमें ना सॉरी रेड नहीं वाइट है, आज मैंने भी वाइट पहना हुआ है, और येल्लो और रेड, और इसमें ना ब्लैक भी है, ब्लू भी है और रेड भी है, तीन कलर और है इसमें, क्योंकि ये मैंने कॉम्बो में लिया था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और ये मैंने ऑनलाइन ही लिया था। आप लोग को प्राइस जानना है तो मुझे अब कॉमेंट करिएगा। तो ये भी लिया था हमने बहुत। तो गाइज इसके अलावा आरुष को दो गिफ्ट्स और मिले हुए हैं जो कि देख सकते हैं, ये है टी शर्ट रेड कलर का और ये देख सकते हैं पीच कलर, हाँ पीच कलर बोल सकते हैं। तो उसमें ये शर्ट है देख सकते हैं, तो ये रेड और ये पीच कलर का शर्ट है जो कि काफ़ी प्यारा है। और ये वाला जो गिफ्ट है ना वो आरुष को फूफा जी जब आए थे तो उन्होंने भी ये गिफ्ट दिया था, तो काफ़ी ज़्यादा प्यारा है। और इसके अलावा ना आरुष को बहुत सारा सेलिब्रेशन मतलब चार पांच सेलिब्रेशन तो मिला ही होगा और वो सारा का सारा मतलब खा गया, मिला सबको फाड़ फाड़ के फ्रीजर में रख दिया और धीरे धीरे करके वो सारा ख़त्म कर दिया। तो इस तरीके से ये सब कुछ गिफ्ट्स मिला हुआ था। इसके अलावा ना आरुष का मामी ने उसका फेवरेट उसका मनपसंद ये शूज दिलाया है मामी ने, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है देख सकते हैं। ये वाला जो शूज है आरुष के उसकी मामी ने दिलाया है। यही था कुछ गिफ्ट्स जो आरुष को मिले हुए थे और क्या आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वैसे तो बच्चे गिफ्ट है तो सारे ही अच्छे ही लगते हैं। हाँ आज का वीडियो और मैंने सोचा कि चलो आप लोग के साथ शेयर करते हैं और आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग ने बर्थडे ब्लॉग नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं या तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, पसंद है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अगर न्यू है तो, अगर आप पुराने हैं तो आप लाइक कर दीजिएगा और अपना कमेंट प्यारा सा कमेंट मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा टेक केयर।